क्रमांक 7 के स्थानीय निवासी इस समय किसी नरक से कम जीवन नहीं जी रहे हैं, क्योंकि उनके मकान के सामने बरसात का व गंदे पानी का निकास ना होने से उन्हीं के मकान के सामने भरा रह रहा है, जिससे उनके बच्चे यों जानवरों को बरसात के मौसम में होने वाली बीमारियों के संक्रमण का डर सता रहा है। इसी के चलते आज स्थानीय निवासियों ने सीएमओ कैलारस हमजद गनी को एक आवेदन दिया, जिसमें उक्त बरसात के जमा पानी को निकालने के लिए निवेदन किया, जिस पर सीएमओ हमजद गनी ने तत्काल अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को उक्त जमा पानी मोटर से निकालने के निर्देश दिए। सर, बैटमान साथ में जल भराव की समस्या है और एक आवेदन भी दिया गया था, मगर उसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या कारण है, क्या समस्या है कि वो समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है? समस्या वहाँ पर क्या, बैटमान साथ में कुछ क्षेत्रों में वहाँ पर पानी भरता है, लेकिन वो जो पानी का निकास है वो ग्रामीण क्षेत्र से होकर जाता है, तो वहाँ पर क्या है, पानी की जो स्थानीय समस्या है वो क्या है, ग्राम पंचायत क्षेत्र में, तो वहाँ पर मैंने तहसीलदार साहब ने संयुक्त रूप से मीटर किया था और हमने मोटर से तत्काल वहाँ पर पानी निकलवाया, 4-5 मोटर वहाँ पर चली, पानी निकलवाया और हमने अपने जो सफाई शाखा प्रभारी है उसको निर्देश दिए कि आप हर 4 दिन या 5 दिन जाकर पानी ऐसे भरता वहाँ निकलवा दिया करें, ताकि वहाँ के रहने वालों को कोई परेशानी। सर, आज भी एक आवेदन दिया गया वहाँ के लोगों के द्वारा, तो क्या हुआ अभी उस आवेदन? नहीं, उसको आवेदन आज मैं तो दिया है वहाँ के नागरिकों ने, उसको मैंने पानी के लिए बोला, पानी मोटर हमारे पास इंजन नहीं है, हमें इंजन खरीदते हैं स्थाई जब तक परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं बन जाता, क्योंकि वो बड़ा काम है, क्योंकि हमारे जो इंजीनियर थे वो भी क्या कोरोना पॉजिटिव रहे पिछले 1 महीने के अलावा, तो वैसे क्या कई कहीं कारणों में काम पैदा हुआ। तो सर आज क्या आदेश दिए हैं आपने जो पानी निकालने के लिए? हमने अभी ये दिया है, अभी तत्काल जाके आप मोटर लेके पानी निकालो, वहाँ पर पानी निकलवा के पानी निकलवा देंगे, ताकि जो तत्काल अभी जो राहत मिले और आवागमन में सुविधा हो।